कालचीनी में भाजपा के पंचायत सदस्यों ने अपने सहयोगियों के साथ थामा तृणमूल का दामन। नमस्कार दर्शक बिंद, आप देख रहे जयगांव मिरर में सफल चित्र आपके साथ। अभी लोकसभा चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन विभिन्न पार्टियों ने अपने संगठन को मजबूत बनाने का काम शुरू कर दिया है। इसी के तथा कालचीनी ब्लॉक के चौपारा ग्राम पंचायत क्षेत्र में तृणमूल में शामिल होने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा समेत विभिन्न पार्टियों से भारी संख्या में कार्यकर्ता तृणमूल में शामिल हो गए। शुक्रवार को चौपारा क्षेत्र की भाजपा पंचायत सदस्य मालती खरिया अपने कई सहयोगियों के साथ तृणमूल में शामिल हो गई। उपस्थित लोगों को तृणमूल कांग्रेस के कालचीनी ब्लॉक अध्यक्ष वीरेंद्र उराव ने पार्टी का झंडा सौंप कर पार्टी में उनका स्वागत किया। खड़िया में जो पंचायत सदस्य दल बल के साथ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुए, तो उनको और उनके समस्त कार्यकर्ताओं को मैं स्वागत जनाता हूँ। देखिए, धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के जितना भी लीडरशिप या निर्वाचित समिति वगैरह धीरे धीरे समझ चुके हैं कि पार्टी का जो प्रमुख काम होता है डेवलपमेंट करना, विकास करना, तो भारतीय जनता पार्टी पिछले एमपी एमएलए जीतने के बावजूद, एमपी का तो अब 3 महीना के बाद उनका रिटायरमेंट का भी समय आ गया है, एक डेढ़ साल के बाद एमएलए का भी रिटायरमेंट का समय है, विकास का धारा कालचीनी रोड के अंतर्गत या अलीपुर द्वार जिला के अंतर्गत कहीं देखने को नहीं मिला। तो धीरे धीरे लोग भारतीय जनता पार्टी के एमपी एमएलए से सवाल करने लगे कि विकास कहाँ है। तो धीरे धीरे हमारे इस बार जो पंचायत समिति जिला परिषद है, धीरे धीरे विकास के इस मुख पर विकास को देखते हुए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, उन सभी स्वागत जानते हैं और आश्वासन देते हैं कि हमारे जितने भी जिस पार्टी से भी हमारे परिवार में जुड़ रहे हैं उनको किसी प्रकार का भी मतभेद नहीं रहेगा। हम लोग मिलकर एक परिवार की तरफ हम लोग चलेंगे। इसलिए जितने भी कार्यकर्ता जितने भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता एमपी में शामिल हुए हैं, खासतौर पर पंचायत सदस्य, तो फिर से मैं धन्यवाद। 2024 एक ऐतिहासिक रहेगा 2024 का लोकसभा, क्योंकि बीते बार का जो लोकसभा 2019 में लड़ा गया एक भावताबाजी झूठा आश्वासन लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाते, चाहे बगा लोग हम बहुत सारे रहते हैं लोगों की बातों में आते, भारतीय जनता पार्टी एमपी गण ने कहा था कि चाय बगान की हॉस्पिटल की स्थिति खराब है, यहाँ का जीवन मैंने उस तरह से नहीं है जो एक अच्छा जीवन है, इसलिए जो प्राथमिक चिकित्सा यानी कि ट्रीटमेंट का व्यवस्था हम लोग ई एस आई के हॉस्पिटल यानी एम्स के तहत, एम्स की तरह, एम्स की भांति हम लोग ESI हॉस्पिटल हर ब्लॉक में खोलेंगे। यहाँ एक जिला में 4 से 5 से 6 ब्लॉक, यहाँ लगभग 6 जिले हैं आपका कुमारग्राम यानी कि अलीपुर द्वार से लेकर दिनाजपुर तक, यहाँ पे चाय बेगम बेल्ट, एक भी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने 2019 का इलेक्शन के द्वारा जो आश्वासन आम गरीब चाय बागान के लोगों को दिया था, वोटर्सों को दिया था, एक भी काम डेवलपमेंट का काम नहीं किया, ये आप सभी ने जान चुके, इसलिए इस बार ऐतिहासिक रहेगा। जो लोग झूठा आश्वासन देकर मैंने लोगों का वोट को लूट करते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं, अब समय आ गया है पूरे सिर्फ अलीपुर द्वार लोकसभा क्षेत्र में पूरा नॉर्थ बंगाल के लोग भारतीय जनता पार्टी का असल चेहरा को समझ चुके हैं। आने वाले 2024 में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से हारेगी, क्योंकि यहाँ उन्होंने एक भी काम नहीं। जी वीरेंद्र जी, ये जमीन का जो पट्टा आपका भी जो कार्य चल रहा है, इस कार्य के बारे में जो जमीन का पट्टा है ये लेने से फायदा या नुकसान, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक ऐतिहासिक फैसला, भारतवर्ष के अंतर्गत 10 राज्यों में चाय बगान है, उसमें 3 राज्य तो डबल इंजन की भी सरकार, आसाम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम किसी भी राज्य ने नहीं देखा। हम यहाँ 1834 वर्षों से रहते हैं, अभी लगभग 190 वर्ष हो गए,
190 वर्ष रहने के बावजूद किसी भी श्रमिक के पास जमीन का पट्टा नहीं। श्रमिक जो अपने परिवार के चाय बागान में जब उनका भरण पोषण कम होता है तो अपने घर के आगे छोटा सा दुकान खोलना चाहते हैं तो उसको शो कॉज नोटिस दिया जाता है, उसको सस्पेंड किया जाता है। तो आप सोच सकते हैं ये क्यों, अगर उस जमीन का पट्टा दिया रहता उनके पास तो किसी मालिक का किसी मैनेजमेंट का उनका मैंने क्षमता होता जिसे वो कर सकते। आप जमीन का पट्टा देकर राज्य सरकार हमारे आने वाले 100 पीढ़ी को सुरक्षित कर रही है कि आने वाले दिन में आपको ना कोई मैनेजमेंट ना कोई मैनेजर ना कोई आपको यहाँ से बेदखल कर सकता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री को मैं इस लाखों चाय बागान श्रमिक की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे विषय में सोचा। ये ऐतिहासिक है, हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिला जी। जो जमीन का पट्टा का विरोध कर रहा है जिन्हें पता नहीं है ये क्या वाकई में उनको पता नहीं है या फिर कुछ और ही है इसके बारे में? राजनीतिक कारण से भी करते हैं जी। जो विरोध करते हैं उनसे एक सवाल करता हूँ। उत्तरायण जो बना है बमफ्रंट के समय में जहाँ पे हमारे कदम भी हमारे उत्तरायण में जो एक बगान था नाम याद नहीं आ रहा है चांदमुनी में जो वर्कर थे वहाँ पे जो 5-7 हज़ार का जो वहाँ पे रेसिडेंट थे वो लोग कहाँ हैं? उनको पहले ढूंढ के निकालिए। अगर आप जमीन का पट्टा ही जो विरोध करने वाला ही सबसे बड़ा साजिश करता है, अगर जमीन का पट्टा उस समय मांगा होता और दिलाते होते आज वो हजारों लोग बेदखल होके माइग्रेट नहीं होते। वो लोग कहाँ हैं? आप वो सवाल कर सकते हैं, आप ढूंढ सकते हैं। हमारे लोग आने वाले दिन में चांदमुनी ना हो इसके लिए राज्य सरकार को हमारे संगठनों ने रखा है बात को। आज राज्य सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी हमारे आने वाले 100 पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए जमीन का पट्टा दिया। आज जो विरोध कर रहे हैं ना इनका सबसे घातक आने वाले दिन में उनके लिए होगा क्योंकि कोई नहीं जानता आने वाले 50 साल बाद 100 साल बाद क्या हो। कम से कम हमारा अधिकार हमारा एक अस्तित्व यहाँ एक आइडेंटिटी तो रहेगी, हमारे नाम में जमीन तो रहेगा, मैनेजमेंट रिटायरमेंट के बाद कोई निकाल नहीं पाएगा ये अधिकार तो रहेगा। इसलिए तहे दिल से मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री। और जो विरोध करता है मैं आपके इस चैनल के माध्यम से भी बोलना चाहता हूँ, विरोध करता है हम उसको स्वागत करते हैं। ग्रुप से लेकर लक्ष्मी भंडार से लेकर जी बेटी उनका रहेगा न्याय श्री रूपा श्री इनमें हमारे का बहुत हेल्प करा थे जो हमारे का लक्ष्मी भंडार मिलेगा उनकर द्वारा जो हमारे का 10 तारीख से आगे जो ढुका थे उनकर द्वारा जो हमें हमारे को फीस दे सकल इन हमारे का बहुत लाइफ देख तो कर हर एक काम हमारे लाइफ देख थे देवो थे वो लाभ हमें खोक नहीं चाहती। पहले मैं TNC में ज्वाइन करके अच्छा से अच्छा काम करने चाहता हूँ और मैं अपन जो पार्ट में आए मैं गांव गाँव के डेवलप करना चाहता हूँ बस इतनी।